हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 14th of March 2020। तो 14 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो, एंड दोज हु वांट टू जॉइन अस ऑन आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे कैन ऑल्सो जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द क्वेश्चंस फॉर टुडे, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट द टर्म डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स कैन बी ट्रेस्ड टू दिस एक्ट। जो टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो इस एक्ट से मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज रिपील्ड इन 1952 एंड द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट वॉज इनएक्टेड इन इट्स प्लेस। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर टू इज मंडाना पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विद। तो मंडाना पेंटिंग्स इनमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल, डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर थ्री इज स्नो लेपर्ड फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, स्नो लेपर्ड फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड इज सिक्किम, फोर्थ इज असम, फिफ्थ इज हिमाचल प्रदेश। अब आपको बताना है कौन कौन सी जगहों पे नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। ऑप्शंस आर 1, 2 and 4, 1, 2 and 5, 2, 3 and 5 या 1, 2, 3, 5। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ आज हम पहले फैक्चुअल न्यूज़ ऑफ द डे पहले डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या फैक्चुअल न्यूज़ हैं जो दूसरे न्यूज़पेपर से या वेबसाइट से हम निकालते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है ईरान सीक्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF फर्स्ट टाइम सिंस 1962। ये पहली बार है 1962 के बाद जब ईरान जो है फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है IMF से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, इन ऑर्डर टू फाइट द कोरोना वायरस। तो याद रखिएगा, ईरान इज टेकिंग द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1962 इन ऑर्डर टू फाइट द कोरोना वायरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। एंड ये जो हेल्प ली थी 1962 के आसपास, तब इस्लामिक रेवोल्यूशन का टाइम था ईरान में, उस समय ये हेल्प उन्होंने ली थी। एंड ईरान हैज बीन फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूएस के सैंक्शंस के कारण ईरान जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स में है। अब ये क्यों है सैंक्शंस इनके ऊपर? क्योंकि JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, ऐसा यूएस ने कहा कि ईरान ने JCPOA को वायलेट किया है, ईरान ने न्यूक्लियर डील को वायलेट किया, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। 2020 में एक और चीज हुई थी कि कमांडर जो ईरान के थे टॉप, कासिम सुलेमानी, ओके, कासिम सुलेमानी जो कमांडर थे ईरान के, उनको यूएस ड्रोन द्वारा किल कर दिया गया। तो ये कुछ जो फैक्ट्स मैं बताता जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल न्यूज बताते हैं दूसरे न्यूज पेपर या वेबसाइट से हम निकालते हैं, ये हिंदू में नहीं आया रहता है ना, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ आजकल। तो ईरान सीक्स फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF। वैसे आपको जो हमारा पोर्टल है वहाँ पे ये सारी न्यूज़ आइटम्स मिल जाएंगी, जो PIB है या PIB में या इन सब में हम ऐड कर देते हैं। पोर्टल में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन रहता है इंडियन एक्सप्रेस का, दैट इज़ अ ब्रिलियंट सेक्शन, काफ़ी अच्छे से उसमें रखा जाता है। दूसरा जो मैं न्यूज़ बताऊँगा आपको फैक्चुअल न्यूज़ में, वो है स्पेनिश फ्लू। नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 1918, कल इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आर्टिकल भी शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि 1918 में एक फ्लू आया था जिसको स्पैनिश फ्लू बोलते हैं। स्पैनिश फ्लू, इट इज द प्रेडिसेसर पैंडेमिक टू कोरोना वायरस। ओके, प्रेडिसेसर पैंडेमिक टू कोरोना वायरस 1918 का फ्लू है, इसके बारे में ये न्यूज आई थी बेसिकली। एंड इट स्प्रेड इनडिस्क्रिमिनेटली किलिंग मोर देन 50 मिलियन पीपल। इसने लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ली थी 1918 के आसपास जब ये आया था। 10% ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड विद दिस वायरस डाइड। 10% पेशेंट ऐसे थे जो अगर इन्फेक्ट हो गए तो उनकी डेथ हो गई, मतलब हर 100 में से 10 लोगों की जान जा रही थी। एंड इट इज कंसीडर्ड एज द डेडलीएस्ट पैंडेमिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे डेडलीएस्ट पैंडेमिक कहा जाता है स्पैनिश फ्लू को। 1918 याद रखना, 1918 स्पैनिश फ्लू, डेडलीएस्ट पैंडेमिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। 10% पेशेंट जो कि इन्फेक्ट हुए उनकी जान चली गई, 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ली थी इसने। दो द डिसीज वॉज नेम्ड एट स्पेनिश फ्लू, इट डिड नॉट ओरिजिन इन स्पेन। ये याद रखना, UPSC आपको अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो बोल देगा इट वॉज ओरिजिनेटेड इन स्पेन, तो ये बिल्कुल गलत है। नाम इसका स्पेनिश फ्लू जरूर था लेकिन ये स्पेन में ओरिजिनेट नहीं हुई थी। इट वॉज एक्चुअली स्पेन विच डिस्कवर्ड दैट द एपिडेमिक इज बिकॉज ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस। ओके, तो स्पेन ने पता लगाया था कि एपिडेमिक क्यों हो रहा है, इसलिए इसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। अदरवाइज इट डिड नॉट ओरिजिनेटेड इन स्पेन।
तीसरी जो फैक्चुअल न्यूज ऑफ द डे वह एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, तो एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स जो है उसको निकालता कौन है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन निकालता है, इट इज एन इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी, तो इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के नाम से, वो निकालती है एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो सेकंड है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड सेकंड इन दैट, तो मतलब काफी अच्छी प्रोटेक्शन है एनिमल्स की इंडिया में, दिस इज व्हाट दिस रैंकिंग इज टेलिंग अस। द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज फ्रॉम ए टू जी, अब ये जो रैंकिंग है इसमें ए टू जी की रैंकिंग मिलती है, एंड इंडिया वॉज रैंक्ड अलॉन्ग विद स्पेन मेक्सिको फ्रांस एंड न्यूजीलैंड, तो स्पेन मेक्सिको फ्रांस न्यूजीलैंड के साथ हमारी भी रैंकिंग थी, हम सेकंड रैंक पर रहे, तो ये अच्छी बात है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स कहा जाता है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इसको निकालता है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन क्या है, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी है। दीज वर द फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे जो कि अलग अलग न्यूज पेपर से वेबसाइट से हमने निगे थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इनको याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है आज के द हिंदू न्यूज पेपर से जो कि हमको डिस्कस करना है, तो इन पेजेस में तो कोई न्यूज नहीं आई है ज्यादा, यहाँ पर एक न्यूज आई है सोशल डिस्टेंसिंग, एक टर्म है सोशल डिस्टेंसिंग, दिस इज द की कंटेनिंग द कोविड 19। देखो ये टर्म, तीन चार टर्म्स काफी ज्यादा कोविड 19 से है, पहला तो है कोविड 19 क्या है, कोविड 19 आपको याद रखना इट इज द डिसीज, एक्चुअली कोविड 19 इज द डिसीज। दूसरा जो टर्म है वो है वायरस का, वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2, ओके SARS-CoV-2। इसके बाद मैंने आपको बताया था पैंडेमिक क्या है, पैंडेमिक मतलब कि जो ग्लोबल लेवल में फैले, बहुत ज्यादा कंट्रीज में फैल जाए, तो अभी लगभग 124 कंट्रीज में ये फैल चुका है आपका सार्स कोरोना वायरस 2, इसलिए इसको पैंडेमिक कहा जाता है। देन मैंने आपको कल एंडेमिक भी बताया था, एंडेमिक मतलब कि जब नंबर, सॉरी एंडेमिक नहीं बताया था, एपिडेमिक बताया था, तो एपिडेमिक जो मैंने आपको बताया था कल, एपिडेमिक का मतलब क्या है कि ये लोकल लेवल पे होता है, जब रीजनल या लोकल लेवल पे कोई डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जितना उसको बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उसके नंबर हो जाए तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। फिर एक टर्म उसी में और है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस आपको बना के रखना चाहिए, 3 फीट का डिस्टेंस आपको बना के रखना चाहिए, ऐसी गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना चाहिए जहां पर डिस्टेंस 3 फीट से कम हो जाए। यहां पर एग्जांपल दिया है कि इफ यू लुक एट द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन 2 beds इन अ हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में 2 beds का डिस्टेंस देखोगे तो वो भी 3 फीट का ही रहता है, और अगर आप जो फर्स्ट क्लास सीट्स है एयरलाइंस की उनका डिस्टेंस देखो तो वो भी 3 फीट का ही रहता है, तो 3 फीट जो है वो एक ऐसा डिस्टेंस है जिसको कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है, दैट इज कंसीडर्ड एन स्टैंडर्ड डिस्टेंस टू मेंटेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी इलनेसेस, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के दौरान इतना सेफ डिस्टेंस आपको बना के रखना चाहिए, एंड दिस इज द डिस्टेंस टू बी मेंटेन फॉर एवरीवन हु हैज कोल्ड कफ और स्नीज और सम फॉर्म ऑफ विजिबल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो किसी को भी अगर किसी तरीके का विजिबल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, स्नीजिंग कोल्ड कफ ये सारी चीजें, तो 3 फीट का डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, यही जो चीज है ये सोशल डिस्टेंसिंग कहलाती है। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, डिस्टेंस 3 फीट का इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंशन भी कर सकते हो जब आंसर राइटिंग करो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंटर अनाउंसेस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब सेंटर ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डिक्लेयर किया है, क्या है बेसिकली, एप्लीकेंट्स फॉर जॉब इन रेलवेज बैंकिंग एंड लोअर लेवल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो लोअर लेवल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि थर्ड टीयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि रेलवेज बैंकिंग या दूसरे जॉब्स के लिए, देन नाउ दे विल हैव टू राइट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको सेट बोलते हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2021 से देना पड़ेगा, ऐसा मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने कहा है, ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की है। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सेंटर क्या करेगा कि एक ऑटोनॉमस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए बनाएगा, ओके सेंटर विल डू व्हाट, सेंटर विल सेट अप एन ऑटोनॉमस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, will conduct this online test, conduct करेगी common eligibility test, नाम है national recruitment agency, conduct करेगी common eligibility test, और इस टेस्ट के दौरान आपको रेलवेज बैंकिंग इन सब में जॉब्स डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा, कॉमन एग्जाम रहेगा, ठीक है ना, उसी के बेसिस में आपको मिलेगा, एंड दिस इज नॉट मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैजर्स जो है उनको तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन एक तरीके से एक अच्छी चीज स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेवल प्लेइंग फील्ड में मिलेगी, जो उनको बार बार अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में बैठना पड़ता था, मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते थे, जो गरीब लोग थे उनको भी फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, बार बार अपना पैसा लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है बेसिकली, है ना, तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट याद रखिएगा, एंड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी और ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है,
ऑटोनॉमस रहेगी और इसका प्रपोजल अभी कैबिनेट एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कैबिनेट एक्सेप्ट कर लेगा। एंड दिस सेट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इट विल रिप्लेस द फर्स्ट लेवल टेस्ट्स कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी लेता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है, इन सारे टेस्ट को, या आईबीपीएस कहते हैं उसको, आईबीपीएस जो भी एग्जाम लेता है, इन सबको रिप्लेस कर देगा। जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होते हैं उनकी जगह एक कॉमन एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं, द एम्बिट एंड द लिमिट्स ऑफ डायस्पोरा डिप्लोमेसी, एम्बिट्स एंड लिमिट्स ऑफ डायस्पोरा डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे डायस्पोरा डिप्लोमेसी किसको कहा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा जब हाउस्टन गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वहाँ पे हाउडी मोदी नाम का एक इवेंट हुआ था। जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आया तो नमस्ते ट्रंप करके एक इवेंट हुआ, ठीक है ना, गांधीनगर, गुजरात, इन सब जगहों पे। अब ये जो चीज़ होती है ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी कहलाती है। जब आप दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे जो मतलब उनके वोट बैंक को जब खंगालने की कोशिश करते हो, तो दैट इज नोन एज द डायस्पोरा डिप्लोमेसी। जब हम इंडियन से आते हैं तो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोगों को, या इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग जो वहाँ के अमेरिकन सिटीजन बन गए हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, है ना। तो ये जो चीज़ होती है डायस्पोरा डिप्लोमेसी कहलाती है। डायस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सबको पता होना चाहिए कि डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सॉफ्ट पावर का पार्ट तो है ही। हम जो इंडियंस बाहर विदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को तो बढ़ा ही रहे ना। सुंदर पिचाई हो गए, सत्य नडेला हो गए, ये सब इंडियंस, कहीं ना कहीं इनसे इंडियन लिंक तो है ही, तो ये इंडियंस के नाम को तो रोशन करते हैं, ये तो सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ ये वोट बैंक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, वोट बैंक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायस्पोरा, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायस्पोरा मतलब है, एंड अबाउट 17.5 मिलियन, अबाउट 17.5 मिलियन इतने डायस्पोरा इंडियंस के हैं जो बाहर हैं। एंड दे रिसीव द हाईएस्ट रेमिटेंसेस, ये भी आपको पता है कि हम हाईएस्ट रेमिटेंस लेते हैं 78.6 बिलियन डॉलर के आसपास, ऐसा कहा गया है एज पर द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 द्वारा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। जस्ट तुरंत गूगल करो, पता करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, नहीं बता पाए तो कमेंट सेक्शन में नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, लिंक है ना पिन करके, जो मैं कमेंट डालता हूं उसमें आपको आंसर लिख दूंगा, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। ओके, आगे देखो। अब लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह है कि हमको इतना रेमिटेंस मिलता है, हमारे इतने डायस्पोरा बाहर है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी उसका कुछ लिमिटेशन है। दैट इज एक लिमिटेशन, तो ये एक लिमिटेशन तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि पहली चीज़ तो ये हमको समझना चाहिए कि इंडियंस हम पॉलिटिकली तभी उनको अपना पार्ट मानेंगे जब तक कि वो इंडियन सिटीजन है। अगर किसी कंट्री में जा करके कोई बंदा वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो हो सकता है सेंटिमेंट वाइज हम उनके साथ कनेक्टेड रहें, लेकिन पॉलिटिकली हम उनसे आइसोलेटेड हो जाते हैं। दिस इज व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड। आज जो लीडर्स हैं वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, वो आज भी उन्हीं को अपीस करने में लगे हुए हैं जो लोगों ने, जिन्होंने फॉरन सिटीजनशिप ले ली है। अगर आप इतने ही सच्चे इंडियन थे तो आपने फॉरन सिटीजनशिप ली क्यों? तो हमको ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं दूसरी कंट्री में रहकर भी, तब तो आप पॉलिटिकली एंड इमोशनली दोनों तरीके से हमारे सिटीजन हो, और हम बिल्कुल आपके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, यहाँ से फ्लाइट चलाएंगे, सब कुछ कराएंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करते रहते हैं बार बार। लेकिन अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, देन एंड देयर आपसे हो सकता है हमारा एक सेंटिमेंटल रिश्ता हो, आपसे एक इमोशनल कनेक्ट हमारा ज़रूर रहेगा, लेकिन जो पॉलिटिकली है, जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ से हम आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे। ओके, तो आपको हम अपीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड। इसके अलावा जो लिमिटेशंस हैं इस डायस्पोरा पॉलिटिक्स की, वो भी कुछ सुहासिनी हैदर ने बताई है। पहला ये है कि इंडियन कम्युनिटी इजेंट लार्ज इनफ टू मेक द डिफरेंस इन द वोटिंग पैटर्न इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज। जितनी कंट्रीज में हमारे डायस्पोरा है, इन ओवरऑल देखे जाए तो हमारे डायस्पोरा बहुत है, लेकिन इतने किसी कंट्री में नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस क्रिएट कर सके। दूसरा लिमिटेशन क्या है, द सेकंड इज दैट द पॉपुलेशन दैट कम्स आउट फॉर रैलीज डजंट रिप्रेजेंट द इंटायर डायस्पोरा। रैलीज तो बहुत बड़ी दिखेंगी, रैली में तो दिखेगा कि भैया 1 लाख लोग, 10 लाख लोग आए, लेकिन वो रैली पूरी की पूरी इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है ना। जैसा कि यूके में केस हुआ कि इतनी बड़ी रैली आई, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये हमको समझना चाहिए। तो दीज आर द लिमिटेशंस, कि पहला कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो इतनी बड़ी नहीं है किसी भी एक कंट्री में आइसोलेशन में, अगर आप देखो कि उनके वोटिंग पैटर्न को चेंज कर दे। दूसरी चीज, जो पूरा का पूरा आपको भीड़ दिखता है, जो गैदरिंग्स में दिखते हैं, वो पूरे इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना।
अगला ये है कि अनदर इशू इज दैट द पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा डोंट नेसेसरली सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट्स एक्शंस। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो डायस्पोरा का वहां खड़ा है इंडियन डायस्पोरा का वो इंडियन पॉलिसीज को सपोर्ट कर ही रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग खड़े हैं डायस्पोरा के बाहर जो कंट्रीज में है हमारे इंडियन डायस्पोरा वो हमारे ही कंट्री की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे बहुत लोगों ने कश्मीर का मुद्दा अगर उठाया हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा उठाया हो, तो उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है। तो ये भी हमको समझ कि दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ द डायस्पोरा पॉलिटिक्स। तो ये कुछ लिमिटेशन थे डायस्पोरा पॉलिटिक्स के, जहां एक तरफ बेनिफिट है वैसे ही वहां पे लिमिटेशंस भी हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। टेंपल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट, ये दूसरा आर्टिकल है जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब काकारेली सिमेंट्स क्यूएस रैंकिंग के बारे में आप सबको बताना चाहिए। क्यूएस रैंकिंग जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है। टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों ने गलत कर दिया था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है क्यूएस रैंकिंग, इसको बोलते हैं काकारेली सिमेंट्स बोलते हैं। और अभी इसने जो रैंकिंग निकाली उसमें हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर आप देखो तो नॉट इवन अ सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर्स इन क्यूएस रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 150 इन ओवरऑल पैरामीटर्स। ओवरऑल पैरामीटर्स में 150 के अंदर कोई हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं आता है। ओवरऑल में सबसे जो अच्छा आता है वो IIT बॉम्बे आता है 152वें पे, 182 पे आता है IIT दिल्ली एंड 184 पर आता है, 184 पे आता है ISC बैंगलोर। ओके, तो QS के टॉप 10 अगर देखो तो उसमें 5 अमेरिका के हैं, MIT, स्टैनफर्ड, हार्वर्ड, कैलटेक, शिकागो, एंड 4 जो है वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, UCL, इंपीरियल कॉलेज, एंड एक स्विस यूनिवर्सिटी है ETH ज्यूरिख। ओके, तो इतने 10 यूनिवर्सिटीज जो है ये टॉप 10 की यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं। आप सोचो तो एक कॉमन फैक्टर है इन सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, ऐसा ऑथर का कहना है कि एक जो कॉमन फैक्टर है इन द सक्सेस ऑफ दीज टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज दैट दे हैव फ्रीडम टू ऑपरेट। इन सारी यूनिवर्सिटीज में फ्रीडम है ऑपरेट करने की। दे हैव बीन मेजर सेंटर्स ऑफ इनोवेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च थैंक्स टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेट मेडलिंग एंड पोलिटिकल इंटरवेंशन बाई पार्टीज ऑफ द डे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये इंस्टीट्यूशन जो रहे हैं ये फ्री रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहे हैं फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक और कॉर्पोरेट मेडलिंग, एंड दे हैव बीन फ्रीड फ्रॉम द पोलिटिकल इंटरफेरेंस एज वेल। तो जब तक पोलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री नहीं रहेगी कोई यूनिवर्सिटी, जब तक वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी, ब्यूरोक्रेटिक और कॉर्पोरेट मेडलिंग से फ्री नहीं काम कर पाएगी, तब तक वो टॉप नहीं बन पाएगी। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज वॉट एवर ओपिनियन दे प्रेफर, नो वन इज पीनलाइज फॉर होल्डिंग अ प्रो और एंटी व्यू ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर एंड साइंटिफिक मैटर्स। कोई भी व्यक्ति उसको पीनलाइज नहीं किया जाता है। दीज टॉप यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो एक्सीलेंट एट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एक्सीलेंट है at attracting and retaining talent. They hire professors very selectively, बहुत selectively वो professors को select करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी ऐरे नत्थु खैरे को बना दिया professor। They are selected based on understanding and of and great scholarly abilities के बाद इनको select किया जाता है। एक और चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलते हैं उनको भी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को ही लिया जाता है। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे इंडिया अगर होता तो इंडिया में कुछ लोग बोलते कह रही हो तो ब्राइटेस्ट को लेता है, इसका मतलब वो नॉन इंक्लूसिव है। ओके, दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल इंक्लूजन। लेकिन ऑथर ने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस तो आप भी चाहते हो ना कि टॉप 50 टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बने। तो अगर वर्ल्ड लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा तभी बनेगा जब वहां से 100% सिलेक्शन होगा, 100% वहां पे ब्राइटेस्ट बच्चे जाएंगे, है ना, तो ही उसका कुछ नाम होगा। जैसे सुपर 30 का नाम क्यों सुपर 30 है, क्योंकि उस वो रिजल्ट देता है। तो या तो आप रिजल्ट दो 100%, मतलब जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं है, बहुत रिसोर्सेज में नहीं है, उनको भी आप सेलेक्ट करके रिजल्ट दो। आप रिजल्ट भी नहीं देते और बच्चों को भी ऐसे रखते हो, तो ये दोनों जो है ये आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करते हैं। तो बात वही है कि ऑथर ने कही कि कहीं कहीं अगर आपको टॉप में जाना है तो आपको कुछ रुथलेस होना पड़ेगा। द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर इन्वॉल्विंग देयर ओन एल्यूमिनाई इन गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स। तो वो अपने खुद के एल्यूमिनाई को ही गवर्नेंस और रिफॉर्म में रखते हैं। टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आर सुपर स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स, ऑल्सो फाइनेंसिस को बहुत अच्छा यूज करते हैं। ऑथर ने यहां पे एग्जांपल दिया चाइना का कि चाइना पहले पीछे था रैंकिंग में,
20 साल पहले अगर आप देखो तो कोई उनका टॉप 10 में यूनिवर्सिटीज नहीं था, लेकिन अगर आज की कंडीशन देखो तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है उसकी 16th रैंक है, पेकिंग यूनिवर्सिटी 22nd रैंक है, फुदान यूनिवर्सिटी 40th रैंक पर है, एंड झेजियांग यूनिवर्सिटी 54th पे है, एंड दिस इज़ अ मिराकुलस लीप फॉरवर्ड। तो हमको ये चाइना से इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम, और हमारा देखो तो हम 182-184 पर खेल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द थिंग, हम चाइना से कम्पीट करते हैं, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो चाइना हमसे कई ज़्यादा आगे है। गवर्नमेंट का एक डिसीजन जो अभी उन्होंने आईओ मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस आईओईज बनाने की बात की है, एंड दैट विल गेट मैक्सिमम ऑटोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, है ना, ताकि वो वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और इसको हमको और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, फैकल्टी मेम्बर्स को और अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए, और ज़्यादा फिनेंसिस प्रोवाइड करने चाहिए इंडिया में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर पाते हैं तो ज़रूर हम टॉप में अपने आप को देख पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। पीएम कॉल फॉर सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन कोविड, यहाँ पे सार्क से सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द कोरोना वायरस, ओके कोविड 19 के रिगार्डिंग। तो सार्क के बारे में बता देता हूँ, सार्क बेसिकली स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको बनाया गया था सार्क चार्टर के द्वारा जो कि ढाका में साइन हुआ था ऑन 8 दिसंबर 1985 को साइन किया गया था। अफगानिस्तान जो है वो न्यूएस्ट मेंबर है सार्क का, एंड ये मेंबरशिप का जो बातचीत शुरू हुआ था 2005 में शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट जो है वो सर काठमांडू नेपाल में है, हेड सेक्रेटेरिएट। मेंबर्स जो है सार्क के वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, एंड देर आर करेंटली 9 ऑब्जर्वर्स टू सार्क, ऑल्सो 9 ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं सार्क के, जिनको ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है, याद रखना सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है, ऑब्जर्वर है। कई लोग अगर कंफ्यूज होंगे तो वो म्यांमार से ही कंफ्यूज होंगे, तो म्यांमार याद रखना नहीं है मेंबर, ओके सार्क का। द सार्क सेक्रेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू ऑन 16 जनवरी 1987 से सेक्रेटेरिएट जो है सार्क का वो काठमांडू में है, एंड सार्क कंप्राइजेज ऑफ 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, 3% वर्ल्ड का एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, एंड 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्स थे सार्क के रिगार्डिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, समझ में आ गया होगा। राज्यसभा नॉड फॉर विवाद से विश्वास बिल, अब ये याद रखना, पहला तो फैक्ट याद रखना विवाद से विश्वास बिल किसके रिगार्डिंग है, तो विवाद से विश्वास बिल जो है वो है डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, याद रखना डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल इसको कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल, एंड ये क्या होगा बेसिकली, इट इज फॉर गिविंग टैक्स पेयर्स अ सेकेंड चांस टू सेटल टैक्स disputes by paying their dues without any interest on or penalty till March 31। अगर 31 मार्च तक आप अपने dues को जो tax के dues हैं उनको settle कर देते हो तो आपके ऊपर कोई penalty या कोई भी interest अलग से charge नहीं किया जाएगा। विवाद से विश्वास बिल इसी के लिए है, second chance दिया जा रहा है, interest का जो भी आपका due है tax का जो due है उसको आप भर दो 31 मार्च तक, ओके 31 मार्च के बाद अगर आप जाते हो तो 10% पेनल्टी चार्ज की जाएगी। इसमें कैप लगाई गई क्या, तो हाँ कैप है 5 करोड़ की, ड्यूज की जो कैप है वो 5 करोड़ रुपीज रखी गई है, 5 करोड़, ताकि जो बहुत बड़े बड़े इवेजन वाले हैं ना वो ना इसका फायदा उठा ले जाए। तो विवाद से विश्वास बिल 5 करोड़ की कैप है, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, याद रखना उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है कि आप अपने बेसिकली जो ड्यूज है उनको फिल कर लो। वायरस स्प्रेड्स अक्रॉस द ग्लोब, टोल क्रॉसेस 5000, तो 5000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है बेसिकली, एंड ये कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण। थोड़ा डाटा शीट देख लो ताकि आपको यूज़ करने में अच्छा रहे जब भी आंसर राइटिंग हो। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आप देखो तो 140,720 से ज़्यादा इन्फेक्शन हुए हैं, 124 कंट्रीज इफेक्ट हो चुकी हैं, डेथ टोल 5347 हो चुका है। चाइना में सबसे अधिक लोगों की जान गई है 3177, इटली में 1266 एंड ईरान में 514, ओके तो दिस इज द इम्पैक्ट इज देयर। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को भी हुआ है, जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो की वाइफ हैज़ बीन डिटेक्टेड पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स पीटर डटन, इसके अलावा आप टॉम हैंक्स को अगर आप जानते हो, टॉम हैंक्स काफ़ी अच्छा एक्टर है, तो आमिर खान ऑफ अमेरिका बोलते हैं उनको, तो उनकी वाइफ और उनको भी आई थिंक दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी देखने को मिले हैं। इकोनॉमी सेक्शन में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो हम डिस्कस करें, सो दैट इज़ इट फ्रॉम द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आंसर्स बता देता हूँ पहले मैं आपको,
जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट रिगार्डिंग कौन कौन सही है। पहला क्वेश्चन था द टर्म डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम दिस एक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट वॉज रिपीट इन 1952 एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट वॉज इनएक्टेड इन इट्स प्लेस, तो ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ वन एंड टू विल बी द आंसर। मंडाना पेंटिंग के बारे में पूछा था कि तो ये राजस्थान से रिलेटेड है मंडाना पेंटिंग, तो आंसर विल बी बी राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन पूछा था स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, सिक्किम में मिलता है, आसाम में नहीं मिलता है एंड हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो चार नहीं होगा, तो डी विल बी द आंसर, 1, 2, 3 and 5 डी विल बी द आंसर। ठीक है, फिर हमने डिस्कस क्या क्या किया, ईरान ने फाइनेंशियल हेल्प लिया 1962 के बाद पहली बार कोरोना वायरस लड़ने के लिए, स्पेनिश फ्लू के बारे में जाना 1918 में जो आया था, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स के बारे में जाना जिसको कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन निकालता है, इंडिया सेकंड रैंकिंग पे है। इसके अलावा हमने और क्या बातें की, इसके अलावा हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देखा जिसमें एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसके अलावा हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जाना, है ना, फिर हमने एडिटोरियल में जाना डायस्पोरा डिप्लोमेसी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, हमने क्रिटिकल थिंकिंग डिबेट और इसमें रैंकिंग के बारे में जाना, फैक्ट में QS रैंकिंग एजुकेशन के लिए होती है ये हमने जाना, सार्क के बारे में हमने पूरे फैक्ट्स जान लिए, राज्यसभा ने विवाद से विश्वास बिल को पास किया तो विवाद से विश्वास बिल के बारे में सारे फैक्ट्स हमने जाने। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।